शेफ शिरू में स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की डिश है चिकन मुगलई। मुगल्स के साथ हिंदुस्तान का संबंध सदियों पुराना है। जिन्हें इतिहास मालूम है उन्हें अच्छे से पता होगा, वरना हिस्ट्री तो सभी लोग पढ़े। मुगलई डिशेस जो होती हैं उनमें इंडिया और पर्शिया के कल्चर की झलक दिखाई पड़ती है। तैयारी के लिए हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं। मसाले हैं कसूरी मेथी, कश्मीरी लाल मिर्च। इन डिटेल आपको सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप देख भी सकते हैं वीडियो में। ये सारे मसाले हमने लिए हुए हैं, साबुत धनिया, ड्राई फ्रूट्स, जीरा, खड़ी लाल मिर्च, काली मिर्च। 400 ग्राम चिकन ही हम बनाएंगे। मैरिनेशन के लिए दही का इस्तेमाल किया गया है, फेटा हुआ दही। कढ़ाई में बनाएंगे सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को भूनना है, खड़ी लाल मिर्च, काली मिर्च, साबुत धनिया, जीरा, जितने भी खड़े मसाले थे, लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें हमको अच्छे से भून लेनी है। देख सकते हैं आप सारी चीज़ों को हम भून रहे हैं। पाउडर बनाएंगे इसका, मसाला है। मैरिनेशन के लिए दही में हमने हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, मीट मसाला, चिकन मसाला आप डाल सकते हो। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लो, बेहतरीन मैरिनेशन तैयार हो जाएगा। करीब 45 मिनट से एक घंटे तक इसको रखना। नमक भी इसमें डालेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करा है, अच्छे से मिक्स किया है। ये देखिए मैरिनेशन पूरी तरह से हर एक पीस पे दिख सकता है। ये हमने भुना हुआ मसाला निकाला एक मिक्सर में और इसको ग्राइंड कर लेना है। घी में बनेगा पूरा, 3 बड़े टेबलस्पून घी हमने दिया हुआ है। ये बुरादेदार मसाला तैयार हो गया है जो बढ़ाएगा इसकी शोभा। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड किया है हमने। प्याज डालनी है, लहसुन, अदरक के टुकड़े जो हमने काटे हैं स्लाइसेस में, तेज़ आंच में इसको भूनना है लाल होने तक अच्छे से। वैसे तो अफ़गानिस्तान, उत्तर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मुगलई क्विजींस काफ़ी पसंद की जाती हैं, काफ़ी स्पाइसी होती हैं एंड सबसे बड़ी बात कि माइल्ड स्पाइसी होती हैं। बहुत ज़्यादा इसमें ना तीखापन होता है ना तेज़पन होता है। मैरिनेटेड चिकन को हमने घी में ऐड कर देना है जब घी गर्म होगा और फ्राई करना है। देखिए चिकन का पानी छूट गया है। एक लगभग 8 से 10 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हमने वो बुरादा पाउडर ऐड करना है जो हमने बनाया था मिक्सर में। लगभग 5 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे दूध और फ्राई करना है करीब 7 से 8 मिनट। गोल्डन कलर आपको ग्रेवी का शानदार दिख रहा होगा, महक भी बहुत अच्छी आ रही है। फ्राइड अनियंस ऐड करने के बाद इसको फ्राई करते रहना है। लाल मिर्च या हरी मिर्च आप डाल सकते हो अपने स्वाद अनुसार। कसूरी मेथी डाल के बंद कर देना है इसको, ढक्कन मीडियम फ्लेम कर दीजिए। अब देख सकते हैं तेल छूट गया है, ऑयल इसमें जो हमने घी का इस्तेमाल किया था वो छूट चुका है। बेहतरीन टेस्ट, कलर, फ्रेग्रेंस, फ्लेवर, ये तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इसे ज़रूर बनाइएगा। देख सकते हैं आप पूरा पानी ख़त्म हो चुका है, मसाला पूरी तरह से थिक हो चुका है। बेहतरीन ग्रेवी, बेहतरीन टेस्ट और बेहतरीन खुशबू, उम्दा खुशबू एकदम। ये देख सकते हैं आप लाजवाब कंसिस्टेंसी ग्रेवी की, मसाले की। ये देखिए फिसलता हुआ गिर रहा है, लाजवाब। बनाइए मज़ा आ जाएगा, यकीन मानिए। शाही अंदाज में बनी हुई ये चिकन मुगलई आप सबको बहुत पसंद आएगी। आप ख़ुद भी बनाइए और अपने रिश्तेदारों दोस्तों को शेयर करिए। ये देख सकते हैं, देखते हैं कितना चिकन पका हुआ है, क्योंकि कुकर में तो हमने पकाया नहीं। लेट्स सी, ये देखिए अंदर तक बेहतरीन पका हुआ है, मसाले तक गए हुए अंदर। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसे बनाइए, सब्सक्राइब करिए चैनल हमारा, शेयर करिए। हम टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह अवेलेबल हैं। थैंक यू।